और इस बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जल्द इस्तीफा देंगे। जी हां, आपको बता दें ये सबसे बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर एक बार फिर अस्थिरता दिखाई दे रही है। मतलब उत्तराखंड सरकार एक बार फिर अस्थिरता की ओर जा रही है। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि वहां पर सिर्फ एक मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल कर पाया हो। उसके बाद से आज तक चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के, किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। आपको पूरी खबर बताते हैं। सूत्रों के जानकारी मिल रही है कि बीजेपी आलाकमान ने संवैधानिक दिक्कतों का हवाला देकर तीरथ सिंह रावत से इस्तीफा देने के लिए कहा। अगले सीएम को लेकर विधायक दल की बैठक में फैसला लिया जाएगा। सूत्रों ने यह भी बताया है कि मौजूदा विधायक जो होगा वो विधायक दल का ही सीएम होगा। बता दें आपको कि तीरथ सिंह रावत पिछले 3 दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और इस दौरान उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 दफा मुलाकात की और इसके बाद वो देहरादून वापस लौटे हैं। पौड़ी से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत ने इसी साल 10 मार्च को मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। अपने पद पर बने रहने के लिए 10 सितंबर तक उनका विधानसभा सदस्य निर्वाचित होना संवैधानिक बाध्यता है। प्रदेश में फिलहाल आपको बता दें कि विधानसभा की 2 सीटें गंगोत्री और हल्द्वानी रिक्त हैं, जहां पर उपचुनाव कराया जाना था। चूंकि राज्य में अगले ही साल फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है और इसमें साल भर से कम का समय बचा है, ऐसे में कानून के जानकारों का मानना है कि उपचुनाव कराए जाने का फैसला निर्वाचन आयोग के विवेक पर निर्भर करता है। इसी को देखते हुए रावत को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। तीरथ सिंह रावत को त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पर मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत को कुछ विधायकों की नाराजगी के बाद हटाया गया था। इसी के साथ आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को जब हटाया गया तब तीरथ सिंह रावत को सामने लाया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि उत्तराखंड में ये जो सियासी हलचल पैदा हुई है, ये जो सियासी अस्थिरता एक बार फिर देखने को मिल रही है, ये किसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण माना जाए? वहां की जनता जो वोट देकर अपना मुख्यमंत्री चुनती है, इनडायरेक्टली पहले विधायकों को चुना जाता है फिर मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन इस तरह से बार बार मुख्यमंत्रियों को बदला जाना किस तरह से आपको ये सही दिखता है? लेकिन एक सवाल और उठता है कि निर्वाचन आयोग के विवेक पर यह पूरी तरीके से कामिल होता है कि वो चुनाव कराता है, उपचुनाव कराता है कि नहीं कराता है। लेकिन बड़ा फैसला ये भी है, बड़ा जो सवाल उठता है वो ये भी उठता है कि महाराष्ट्र में जब उद्धव सरकार बनी थी, जब उद्धव सरकार आई थी, तब उद्धव ठाकरे जो थे वो भी विधायक नहीं थे। ऐसे में MLC चुनाव जो थे वो कराए गए थे और MLC उनको बनाया गया था, तब भी कोरोना का हवाला देकर चुनाव टालने की बात की जा रही थी। लेकिन उन्होंने उसके बाद बीजेपी आलाकमान से बात की, जिसके बाद राज्यपाल ने वहां पर जो एक पत्र था वो चुनाव आयोग को सौंपा और चुनाव आयोग ने फिर वहां पर चुनाव कराए, जिसके बाद वो MLC बने और फिर CM बने रह सके। लेकिन अब सवाल उठता है कि तीरथ सिंह रावत को इस तरह से हटाया जाना संवैधानिक, इसमें दिक्कतें बताई जा रही हैं, लेकिन सवाल जायज है कि क्यों नहीं बात की गई, क्यों नहीं निर्वाचन आयोग को बताया गया कि वहां पर इस तरीके से जो अस्थिरता है सरकार की वो बन सकती है, तो चुनाव करा देने चाहिए। लेकिन इस तरह की कोई बातचीत नहीं की गई और अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि तीरथ सिंह रावत इस्तीफा दे सकते हैं जल्द ही। लेकिन इसके साथ ही जो सवाल है वो लगातार कायम है कि क्यों नहीं चुनाव उपचुनाव जो थे उनको कराया गया। इसको एक अलग एंगल से भी देखा जा रहा है कि जल्द ही ममता बनर्जी, जो कि अपनी सीट नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी, लेकिन फिलहाल वो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में वो लगातार कह रही हैं कि भवानीपुर सीट, जिससे वो लगातार चुनाव इससे पहले जीतती रही हैं, उस सीट को अब खाली कर दिया गया है। तो वो मांग कर रही हैं कि उस सीट से उनका उपचुनाव लड़ाया जाए और वो वहां से जीत कर सामने आएंगी तो मुख्यमंत्री बनी भी रह सकती हैं। लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि वहां पर बागडोर जो है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों से छीनने के लिए इस तरीके का जो पूरा प्रणाली है उसको अमल में लाया जा रहा है? लेकिन ये सवाल है, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि तीरथ सिंह रावत जल्द ही इस्तीफा देंगे और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है पूरे उत्तराखंड के लिए कि वहां पर कोई भी मुख्यमंत्री स्थिर तौर पर अपनी सरकार को 5 साल तक नहीं चला पाता। ये वहां के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां पर कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि जब उत्तराखंड को बनाया गया था, जब एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, तब इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी कि उत्तराखंड का और अच्छा विकास हो सकेगा। लेकिन लगातार बार बार जो इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर सिर्फ एक मुख्यमंत्री आज तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाया है, लेकिन उसके बाद से आज तक कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। और यहां तो इस बार तो यह देखने को मिला कि 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना पद छोड़ना पड़ा, जिसके बाद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन वहां 4 साल तो यहां सिर्फ 4 महीने तक ही तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री के तौर पर टिक पाए और अब वो जल्द इस्तीफा देंगे।